आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला नहीं सुनाया, कल फैसला नहीं सुनाया? सुप्रीम कोर्ट में कल तारीख थी, 5 तारीख को फैसला होने वाला था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? दोस्तों बहुत बड़ा कारण है, ये आपको पता होना चाहिए किन कारणों की वजह से आखिर सुप्रीम कोर्ट के में क्या पेश किया गया, क्या प्रस्तुत किया गया, किस चीज़ की कमी रह गई जिसकी वजह से डेट आगे फिर से बढ़ानी पड़ी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों सरकार ने फिर डेविट भी लगा दी है कि हम जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो माफ़ करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी राहत देने की भी घोषणा करने की संभावना थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने डेट आगे बढ़ा दी। बहुत बड़ा कारण है, स्टेप बाय स्टेप आप देखना है, मिस मत करना। अगर आप मिस करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से पॉइंट, कौन सी चीज़ें, कौन से काम की चीज़ की वजह से ये सब डेट जो है बढ़ानी पड़ी। चलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, चैनल पर पहली बार हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें आपको अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जनधन योजना से जुड़ी हुई बहुत सारी योजना एक अच्छी तरीके से सचित वर्णन के साथ बताई देंगी, ऐसी कहीं नहीं बताई देंगी। फिलहाल हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश, मॉरेटोरियम बढ़ेगा या नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज माफ़ हुआ, EMI का मिला केस, लेकिन मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाने का क्या हुआ, ये सब चीज़ें देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम। सबसे पहले दोस्तों 5 अक्टूबर को 11:16 पर सवेरे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस के नेता भी है, उन्होंने कहा कि ही वांट्स टू मेक अ रिक्वेस्ट एज द एफिडेविट वॉच फाइल्ड अ डे बिफोर एंड थ्रू द मीडिया ही रिक्वेस्ट फॉर टाइम टू फाइल ए रिप्लाई बिफोर द बेंच कंसिडर द एफिडेविट। दोस्तों सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी ने बताया कि एक दिन पहले ही एफिडेविट फाइल की गई है और वो भी मीडिया के जरिए जाहिर हुआ है कि क्या है उसमें क्या नहीं। हम एफिडेविट को पढ़ना चाहेंगे और हम इसके लिए टाइम चाहते हैं। बेंच ने कहा दोस्तों कि यू शुड हैव प्रिपेयर्ड इट, आपको तैयारी पहले कर लेना चाहिए था। सिब्बल जी ने कहा हमारे पास सिर्फ ये पॉसिबल नहीं था 2 दिन में रिप्लाई तैयार करना, हम उसकी पूरी फाइल देखेंगे, RBI की वेबसाइट देखेंगे, उसमें क्या लिखा है, उसके बाद हम अपना डिसीजन देंगे दोस्तों। उसके बाद सीनियर एडवोकेट CRMR सुंदरन, दे हैव कम्प्लीटली लेफ्ट आउट द रियल इस्टेट सेक्टर। सीनियर एडवोकेट CRMR सुंदरम, जो कि रियल एस्टेट की तरफ से पेश हुए थे कोर्ट में, वो उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी तरह से उस एफिडेविट में शामिल नहीं किया गया है जो कि शामिल करना था, ये गलती सरकार की तरफ से। देखते जाइए आपके कौन कौन सी बारीकियां नज़र आ रही है, देखिए आप पता चलेगा आपको। जस्टिस शाह ने कहा वैन इट कम्स टू अदर सेक्टर इट कैन बी सेड दे कैन कम अंडर कामर्स कमिटी रिपोर्ट दे हैव ऑलरेडी सबमिटेड। जस्टिस साहब ने कहा कि अगर अदर सेक्टर को लिया गया है इसमें, कहने का मतलब ये हुआ कि अदर सेक्टर को जब शामिल किया गया है तो बाकी रिस्ट्रक्चरिंग जो कामत कमेटी की रिपोर्ट है उसमें शामिल किया गया है, कहने का मतलब यही होता है अदर सेक्टर। सुंदरम एंड सिब्बल सबमिट टू द बेंच दैट ऑल द अकाउंट्स एज ऑफ 1 सितंबर आर नॉन स्टैंडर्ड, देयरफॉर देयर कैन बी नो स्ट्रक्चरिंग एट ऑल। सिब्बल जी ने और सुंदरम जी ने बहुत अच्छी बात की कि एज ऑन 1 सितंबर को जो जितने भी अकाउंट थे सभी नॉन स्टैंडर्ड के थे और उसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग नहीं की जा सकती। साथ ही जस्टिस भूषण साहब ने 11:17 पर मिस्टर मेहता जी को बताया, मिस्टर मेहता जी को बोला कि आपने कामत कमेटी की रिपोर्ट है वो रिकॉर्ड पे नहीं लाए हैं। अब बारी आती है सीनियर एडवोकेट वी गिरी, ये कुछ बातें कहना चाहते हैं RBI की तरफ से, चलिए देखते हैं क्या बातें हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भूषण साहब तुरंत उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं कि पहले तो आप मेहता जी को बोल रहे, पहले मेहता जी आप RBI को प्रस्तुत कर रहे थे, RBI की तरफ से बोल रहे थे, अब गिरी जी करेंगे, ये क्या बातें हो रही है, एक के बारे पहले आपने करना था फिर बाद में इन्होंने करना था, एक के बाद एक बदली कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है। उसके बाद जस्टिस शाह ने SG Meena को 11:18 पर बताया कि इन योर एफिडेविट देयर इज नथिंग विच से डेट हैज बीन डन विथ रिगार्ड टू कामत कमेटी रिपोर्ट, देयर हैज़ टू बी समथिंग ऑन रिकॉर्ड। कामत कमेटी की रिपोर्ट है उसको रिकॉर्ड में नहीं लाया गया, उसकी वजह से जस्टिस साहब ने सॉलिसिटर जनरल SG Mehta साहब को बताया देयर इज नथिंग टू हाइड। अब सॉलिसिटर जनरल मेहता जी ने बोला कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छुपाया जा रहा है, हम उसको रिकॉर्ड पर लाएंगे, वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है। अब उसके बाद गिरी जो है
आरबीआई की तरफ से अपना पक्ष फिर रखेंगे। हालांकि अभी मना कर दिया। गिरी जी क्या कह रहे, देखिए, द गवर्नमेंट हैज बीन डिलिब्रेटिंग अपॉन दिस, अ लार्ज परसेंट ऑफ पीपल फील दैट एन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इज हिटिंग देम वेरी हार्ड, देयर फर्दर रिकमेंडेशन टू बी मेड एंड दे विल बी कंसिडर, इफ यू फील द रिपोर्ट इज टू बी प्लेस ऑन रिकॉर्ड वी विल डू सो। बहुत सारे गिरी जो आरबीआई की तरफ से वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो कि हमने उसको माफ़ किया है, उसको माफ़ करके प्रस्तुत किया है एफिडेविट में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको रिकॉर्ड पे लाया जाए, आप मतलब कपिल सिब्बल जी और ये सब, तो उसको हम रिकॉर्ड पर लाने के लिए बाध्य हैं। अब जस्टिस भूषण का साहब कर रहे हैं, इट्स नॉट क्लियर अबाउट प्लेसिंग द रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड, इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द रिपोर्ट, देर आर नॉट सजेस्टिंग विथ विच कुड नॉट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, द आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैज टू मेक सर्टेन ऑर्डर सो डेट पीपल नो द बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड। जस्टिस भूषण साहब ने कहा कि ये पब्लिक को पता होना चाहिए, जनता को भी पता होना चाहिए कि सरकार और आरबीआई उनके लिए क्या कर रही है और उनके फायदे के लिए क्या कर रही है। ये इस तरह से छुपाया नहीं जाना चाहिए, जनता की फायदा के लिए क्या काम किया जा रहा है पूरी तरह से पता होना चाहिए। गिरी ने बोला इट विल बी डन, गिरी ने बोला ये हो जाएगा। जस्टिस शाह बोले व्हेन, अब उनका सवाल है कब, व्हेन विल इट बी डन, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग, यू आर सेइंग इट विल बी डन, इट विल बी डन, व्हेन विल इट बी डन। अब गिरी जी ने बोले जो कि आरबीआई की तरफ से कि ये हम कर देंगे, जस्टिस भूषण साहब को गुस्सा आया, उन्होंने बोला कब कब हो जाएगा, बार बार आप यही बोलते हो हम कर देंगे, लेकिन करेंगे कब, जिसकी वजह से कोर्ट बार बार तारीखें डालना पड़ रहा है। जस्टिस भूषण ने फिर बोले दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, देर आर सो मेनी पुअर पीपल, सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे सबमिटेड दैट डिले इज हर्टिंग द बैंक्स। अब आगे देखिए, जस्टिस शाह ने बोले कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से पेश किया जाना चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। अब सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे अपनी बात कर रहे हैं कि बैंक की तरफ से जो डिले हो रहा है उसकी वजह से लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, ऐसा कहना है। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। लेकिन सालवे साहब बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट को एजेंट किया जाता है तो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2-3 दिन में सारी कार्रवाई हो जानी चाहिए। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह बोलते हैं कि वो एक आईए फाइल करेंगे जो नोटिस के एंड सीक नोटिस इन द सेम, और नोटिस भी वो प्रस्तुत करेंगे। जस्टिस साहब बोलते हैं वी आर गोइंग ऑल दैट वी कैन, वी विल कंसिडर। अब जस्टिस साहब बोलते हैं हम उसको कंसिडर करेंगे। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी मेक्स इज सबमिशन, देयर इज जस्ट रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बिल्डर। अब बिल्डर की तरफ से देखिए, बिल्डर को इंक्लूड नहीं किया गया था, क्या किया गया था उनकी तरफ से, सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी साहब पेश हुए। एन इशू इज क्रिएटेड एज वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट अंडर द अप्रूव्ड स्कीम ड्यू टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन एसबीआई कैप्स एंड द लोन्स वी हैव टेकन। उन्होंने बोला बिल्डर की तरफ से जो प्रस्तुत हुए केस, बिल्डर की तरफ से प्रस्तुत हुए वकील ने, उन्होंने कहा कि एसबीआई के कैप्स की वजह से और हमने जो लोन लिया उसकी वजह से हमको रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं मिल रहा है और जिसकी वजह से हमें भी ये लाभ मिलना चाहिए। बेंच आस्क सीनियर एडवोकेट पी ची नब्बरम टू मेक हिज सबमिशन बट द कंट्रोल इज अनेबल टू अनम्यूट हिम। अब बेंच ने बोले पी चिदम्बरम साहब को कि आप अपनी बातें कहें, लेकिन वो वहाँ पे प्रस्तुत नहीं थे, हाजिर नहीं थे। सीनियर एडवोकेट रविंद्र श्रीवास्तव सिक्स फॉर मोर टाइम टू विच द बेंच एग्री। सीनियर एडवोकेट ने रविंद्र श्रीवास्तव ने बोला कि हमें और टाइम चाहिए जिसको मान्यता दे दी बेंच ने। अब बेंच आस्क सीनियर एडवोकेट पी चिदम्बरम टू मेक हिज सबमिशन बट द कंट्रोल इज अनेबल टू अनम्यूट हिम। अच्छा, ये तो हमने बोल दिया, फिर से आगे करिए। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी मेक्स हिज सबमिशन इन आई एन एक्सप्रेशन हिज रिजर्वेशन विद द कामत कमिटी रिपोर्ट। ही सेड दैट अ पॉइंट इन द रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रेडिक्ट्स द आरबीआई सर्कुलर रिगार्डिंग स्टैंडर्ड अकाउंट एंड दैट renders the report is truncated। अब सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कामत कमेटी की रिपोर्ट की बातें वहाँ पे की, उसकी वजह से उन्होंने बताया कि आरबीआई का जो सर्कुलर वो स्टैंडर्ड अकाउंट को हर्ट करता है, स्टैंडर्ड अकाउंट के लायक नहीं है। एजी मेहता ने बताया कि एजी मेहता स्टेट डेट ही विल पुट द रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड, जो कि अभी कामत कमेटी की रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है, इसको रिपोर्ट पर लाने के लिए सोलिसिटर जनरल मेहता ने कहा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अब बोल रहे हैं देयर इज अनदर कमिटी विच हैज बीन सेटअप
कॉल्ड महेश्वरी कमिटीज। अब इसी बीच कपिल सिब्बल बोल रहे हैं दूसरी कमेटी भी साथ साथ चल रही है, महेश्वरी कमेटी, इसका भी सेम इशू है। अब मेहता जी बोल रहे देयर वॉज टू कलेक्ट डाटा, वी शुड नॉट डू दिस हियर, हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, महेश्वरी कमेटी की क्या रिपोर्ट है, हमने अभी तक किया नहीं है। ये बात चल रही है दोस्तों, चलते चलते 11-21 तक पहुंच गई। 5 तारीख को सिब्बल द महेश्वरी कमेटी डीलिंग विद द सेम इशू सोलिसिटर जनरल, आई थिंक वी शुड कन्फाइन अवर सेल्स टू द फाइनेंशियल सेक्टर, नॉट टू गो बियॉन्ड गिरी, दिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सिब्बल जी ने बोले कि महेश्वरी कमेटी की रिपोर्ट भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे धंधे, बहुत सारे लोग इफेक्ट हुए हैं। सोलिसिटर जनरल बोल रहे हैं कि वो हमारे लेवल से बाहर है, हम और वो मुद्दा नहीं है। बेंच इज नाउ डिस्कसिंग amongst themselves and prepares to pass an order. अब बेंच आपस में बात कर रही है कि आखिर क्या करना चाहिए। उसके बाद बेंच बोल रही है an additional affidavit dated 2 October 2020 has been filed by the Union of India in compliance with our order. Councils appearing for different petitioners submitted the affidavit did not deal with several issues. 2 अक्टूबर को जो affidavit file किया गया था उसमें ये पता चल रहा है कि काउंसिल की तरफ से ये पता चल रहा है कि अलग अलग पेटिशनर सभी को शामिल उसमें नहीं किया गया है, लाभ सभी को नहीं मिलेगा जो 2 अक्टूबर को सरकार ने एफिडेविट दायर किया था। फिर बेंच बोलती है नो कंसिक्वेंशियल सर्कुलर हैव बीन इशू टू इंप्लीमेंट द डिसीजन, कामर कमेटी रिपोर्ट हैज नॉट बीन प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, मेहता एंड गिरी हैव स्टेटेड दे हैव ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। साथ ही बोल रहे हैं कि कामर कमेटी की रिपोर्ट आ गई है लेकिन वो अभी रिपोर्ट उसकी रिकॉर्ड में नहीं आई है। साथ ही साथ जो 2 अक्टूबर को जाहिर किया था आरबीआई ने, सरकार ने जो एफिडेविट हलफनामा दायर किया वो भी किस तरह से लागू करेंगे वो भी अभी क्लियर नहीं है। साथ ही मेहता और गिरी इन दोनों ने बताया कि वो रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे लाएंगे। अब बेंच बोलती है द एफिडेविट फाइल डज नॉट गिव नेसेसरी डिटेल रिगार्डिंग द क्वेश्चन आज बाय दिस कोर्ट ऑन 10 सितंबर। और फिर बेंच बोल रही है 10 सितंबर को जो कोर्ट ने पूछा था कि मॉरेटोरियम बढ़ेगा या नहीं, राहत किस तरह पहुंचाई जाएगी, ब्याज के ऊपर ब्याज माफ़ होगा कि नहीं, रिस्ट्रक्चरिंग किस तरह किया जाएगा, उन सब की रिपोर्ट बराबर क्लियर कट नहीं है। मेहता हैज स्टेटेड डेट ही विल फाइल एन एडिशनल एफिडेविट, पेटिशनर हैव प्रेड फॉर टाइम टू फाइल ए रिप्लाई। और मेहता जी ने बोला कि हम एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करेंगे और उसमें पूरा क्लियर कट लिखा होगा। बेंच वी ग्रांट 1 week टाइम टू फाइल अ रिप्लाई टू द एडिशनल एफिडेविट। अब बेंच बोल रही है कि हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप एडिशनल एफिडेविट फाइल करें। द SGRBI IBM also फाइल एन एफिडेविट काउंटिंग द गाइडलाइंस नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर डेट हैव बीन टेकन बाई द RBI एंड गवर्नमेंट्स। यूनियन ऑफ इंडिया में also फाइल काउंटर इन IAS। तो किन किन लोगों को एफिडेविट फाइल करना है सुप्रीम कोर्ट ने बता दिए कि सोलिसिटर जनरल, RBI, IBA, इन सबको एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करना है। साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट, RBI और गवर्नमेंट है उनकी तरफ से इन सबको फाइल करना है। साथ ही साथ यूनियन ऑफ इंडिया को भी एक काउंटर फाइल जो है फाइल करना है एफिडेविट के तौर पर। उसके बाद SG मेहता सिक्स फॉर मोर टाइम टू द एफिडेविट। SG मेहता ने बोला हमें और टाइम चाहिए। जस्टिस साहब बोले यू वांटेड 2-3 days, वी आर गिविंग, तुम जितना टाइम मांगते हो 2-3 दिन हम देते हैं तुमको 2-3 दिन। 1 हफ्ता इसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन फिर पूजा की छुट्टियां आ जाएंगी और उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, ऐसा कहना है कोर्ट का। उसके बाद कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि 13 अक्टूबर तक तारीख को मुलतवी किया जाता है, तारीख को बढ़ा दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उससे पहले अभी बहुत सारी कमियां रह गई थी, हालांकि सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज जो लग रहा था वो माफ़ करने का घोषणा की थी लेकिन बहुत सारी बातें अभी रह गई थी जो कि क्लियर होना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। इस पर बिल्कुल क्लियर कट जनता को पता चलना चाहिए ऐसा चाहता है, जिसकी वजह से एक एडिशनल एफिडेविट फाइल किया जाएगा बहुत जल्द। तब तक 13 तारीख के लिए कोर्ट को एडजर्न कर दिया गया। फिलहाल न्यूज़ में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो। जय हिंद दोस्तों।